हेलो एवरीवन, आई एम तान्या धीमान। मैं पंचकुला से आज यहाँ करनाल आई हूँ आईबीएक्स में अपना वीज़ा लेने के लिए। तो मैंने फ्रांस के लिए अप्लाई करना था, जिसके लिए मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो इन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, और मेरा बहुत हैसल फ्री प्रोसेस रहा, क्योंकि एज मेरे को कोई आइडिया नहीं था। तो स्टेप बाय स्टेप इन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। तो पहले हमने मेरी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करी, उसके बाद हमने उसके लिए अप्लाई किया, और जैसे ही मेरे को मेरी यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर आया, हमने अपने नेक्स्ट प्रोसेस कैंपस फ्रांस के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी। तो कैंपस फ्रांस में ज़्यादा कुछ नहीं, डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने मेरी देखी, और 2 से 3 उन्होंने मेरे को सवाल पूछे कि आपने ये जो यूनिवर्सिटी चूज़ करी है, यही क्यों चूज़ करी है, आपको इसके बारे में कहाँ से पता लगा, और अगर आप इंग्लिश में आंसर कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ऐसा कोई वो नहीं था रूल, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि इंग्लिश में आंसर देना है, जैसे उनको डॉक्यूमेंट्स चेक करने थे। उसके बाद जब डॉक्यूमेंट्स मेरे वेरीफाई हुए, तो मेरा हार्डली 10 to 12 मिनट्स का उनके साथ ये प्रोसेस था, और इसके 3 to 4 डेज के अंदर अंदर ही मेरे को इनकी मेल आ गई कि अब आप आगे VFS के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जिसके लिए इन्होंने IBACS के थ्रू मेरे को एक चेकलिस्ट आई थी, जैसे जैसे मेरे को अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने थे मैंने वैसे किए रेडी, और उसके बाद हम VFS के ऑफिस जब गए तो वहाँ पे भी ज़्यादा कुछ नहीं था, मेरी बस डॉक्यूमेंटेशन हुई। जैसे जैसे क्योंकि मेरा वहाँ भी ईजी था, क्योंकि मैंने चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग ऑलरेडी सब कुछ लगाया था, तो मेरे को बस उनको चेकलिस्ट के अपने वो जो पेपर थे वो उठा के उनको दिए मैंने, और वहाँ पे मेरा बायोमेट्रिक हुआ, और विद इन अ वीक मेरे को अपना वीज़ा रिसीव हो गया, और ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। तो ये मेरा वीज़ा है फ्रांस का जो मेरे को रिसीव हुआ है। थैंक यू सो मच।